हेलो, गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। आज हम करेंगे उड़ान पाठमाला दो में इकाई दो, सोच समझ कर। ये इसमें क्या है? इसमें चित्र बने हुए हैं, चलिए हम वहीं चलते हैं। ये है इकाई सोच समझ कर। इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है, चित्र देखकर हमें कल्पना करनी है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये चित्र क्या दर्शा रहा है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो सूर्य उदय हो चुका है, सूर्य पूरे का पूरा हमें दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के आगे आ चुका है। और ये जो घर है, इस घर में ये बच्चे रहते हैं। लेकिन अब सुबह का समय है तो दोनों बच्चे बाहर हैं और यहाँ अपने गार्डन में खेलने के लिए आए हैं। और इनके पास एक खरगोश भी है जो कि गाजर खा रहा है। हरी भरी घास है और दोनों बच्चे खरगोश के साथ खेल रहे हैं। दोनों बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रातःकाल में आप लोगों को भी सुबह अपना घर छोड़कर बाहर टहलना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर आंगन है तो उसमें टहलें, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है तो वहाँ टहलें, अगर आपके घर के बाहर सड़क है, गार्डन नहीं है तो अपने घर के आसपास के पार्क में खेलने के लिए ज़रूर जाएं। लेकिन अभी तो आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो अभी आप मास्क लगा के मम्मी पापा के साथ ही जाएं, अकेले ना जाएं, क्योंकि आजकल जो है बहुत भी क्वेश्चंस रखनी होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है बेटे, चलिए अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर क्या बता रही है। ये कहीं एक गार्डन, एक ऐसी जगह का दृश्य है जहाँ पर पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, छोटे पौधे भी हैं, मशरूम भी उगी हुई है। देखिए यहाँ पर बाग बगीचे में बड़े पेड़ पर बंदर जो है पूंछ से लटका हुआ है और चिड़िया उड़ रही है और बत्तख पानी में तैर रही है। तो ये तो दृश्य बहुत ही आँखों को लुभाने वाला है। और पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं, मशरूम भी उगी हुई है, तो ऐसी ऐसे दृश्य को देखकर मन खुश हो जाता है। और प्यारे बच्चों, इसमें जो आपको ये चिड़िया दिखाई दे रही है, इसमें रंग नहीं भरे हुए हैं। बुक वाला इसमें रंग भरना भूल गया है, उसने कहा है कि मैं तो नहीं भर पाया, लेकिन बच्चों को बोलो वो भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये बत्तख है, बत्तख में भी रंग नहीं भरा हुआ है, तो आपको इसमें सूटेबल कलर्स भरने हैं। सूटेबल का मतलब ठीक ठीक से रंग भरने हैं जो बत्तख में होते हैं। और बत्तख पानी में क्या कर रही है, तैर रही है। और उस पानी में और क्या है भाई, इसमें तो कमल का फूल भी खिला हुआ है और कमल का फूल तो बहुत सुंदर होता है, ये तो अपना नेशनल फ्लावर भी है ना। तो चलो, आज हमने इकाई दो सोच समझ कर चित्र देख कर हमने अंदाज़ा लगाया कि इन चित्रों में क्या है। अब बताओ चित्र क्या बोलते थोड़े ही हैं, चित्र तो नहीं बोलते, कौन बोलता है? चित्रों की बातें हम खुद सोच लेते हैं। ये चित्र अपनी बातें मुंह से नहीं बोलते, लेकिन अपने रंगों से ये बता देते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मुझे पता लगा, आपको भी लग रहा है ना। हाँ, ऐसे ही आप चित्रों को देख कर कल्पना किया करें। कहीं भी दृश्य को देख कर कल्पना करना बहुत अच्छा है, जब आपकी रीजनिंग बढ़ेगी। Have a nice day. Love you.